अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक प्रूफ करने जा रहे हैं और वो प्रूफ ये है कि इफ़ सी ए इज़ कांग्रेंट टू सी बी मॉड एन, देन ए इज़ कांग्रेंट टू बी मॉड एन बाई डी, और डी क्या होगा, डी होगा जी सी डी ऑफ सी एंड एन। तो हमने इस चीज़ का प्रूफ करना है, इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। तो देखिए, अगर सी ए और सी बी कांग्रेंट हैं मॉड एन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि फ्राम हेयर n divides सी ए माइनस सी बी बाई डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस। मैं लिख सकता हूँ कि n जो है इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी मैं सी ए माइनस सी बी को लिख सकता हूँ किसी n के मल्टीपल की फॉर्म में, और वो मैं मल्टीपल क्या ले लेता हूँ, k ले लेता हूँ, यानी सी ए माइनस सी बी इक्वल्स टू n टाइम्स k। इसको आप यहाँ तक ले कि इसको आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें, इसे आप सेफ रखें। अब हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली हमारा टारगेट होगा कि हमने ए माइनस बी को लिखना है एन बाई डी इन टू सम फैक्टर के की फॉर्म में। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। अगर डी जी सी डी है सी और एन का, तो मैं लिख सकता हूँ कि डी जो है वो डिवाइड करता है सी को, और वही डी आपका डिवाइड करता है एन को। अगर डी डिवाइड करता है सी को, तो मैं लिख सकता हूँ सी इक्वल्स टू डी के वन, यानी किसी मल्टीपल की फॉर्म में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करा के डी को वो सी के मैं इक्वल लिख सकता हूँ। और इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एन जो है आपका वो किसके इक्वल है, डी के टू। ठीक हो गया। अब एन सी इक्वल है डी के वन और एन इक्वल है डी के टू, क्योंकि डी जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा था, इसलिए मैंने ये फॉर्म बनाई। अगर मैं यही वैल्यूज़ एन की और सी की इधर रिप्लेस कर दूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देखें, सी की जगह पर मैंने डी के वन लिखना है, यानी डी के वन इंटू सम ए माइनस सी की जगह पे फिर वही डी के वन इंटू सम बी इज़ इक्वल टू एन की जगह मैंने लिखना है डी के टू इंटू सम के। एन की जगह पे डी के टू लिखा और के वैसे का वैसा रहा। अब इधर से मैं क्या कर सकता हूँ कि तीनों में से डी जो था जी सी डी था पॉजिटिव नंबर था, तो मैं पूरी इक्वेशन को डी से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी डी खत्म हो जाएगा, इधर भी डी खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, के वन ए माइनस के वन बी इज़ इक्वल टू के टू इंटू सम के। और ये के वन के टू और के क्या है, ये सारे इंटीजर हैं। अब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, अगर मैं के वन को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी, और इधर बच जाएगा के टू इंटू सम के। अब के टू के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इक्वल बन रहा है के वन इंटू सम ए माइनस बी। तो इधर से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो के टू है ये इस सारे को डिवाइड करता है, क्योंकि उसके मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ के टू जो है वो डिवाइड करता है के वन इंटू ए माइनस बी को, के वन इंटू ए माइनस बी को डिवाइड करता है। मैंने यहाँ से इंटरप्रेट किया है। अब अगर के टू के वन इंटू ए माइनस बी को डिवाइड करता है और जी सी डी जो है के वन और के टू का वो वन है। अब देखिए, के वन और के टू का जब हम जी सी डी किसी भी नंबर का, जैसे हमने सी और एन का फाइंड किया है, तो हम उसका जब जी सी डी फाइंड कर लेते हैं, जो कोशंट जी सी डी से मल्टीप्लाई हो के आपके नंबर्स बना रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं 12 और 8 लेता हूँ, तो 12 और 8 का जी सी डी 4 होता है, तो वो जो 4 है आपका वो 12 को भी डिवाइड करता है, वही आपका 4 8 को भी डिवाइड करता है। अब मैं लिख सकता हूँ 12 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 4, क्योंकि 4 इसलिए डिवाइड करता है 12 को कि 12 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 4, और 8 इसलिए डिवाइड करता है कि 8 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4। ठीक है। अब ये जो आपने सम कोशंट मल्टीप्लाई किए हैं, यानी यहाँ पे देखें वो नंबर क्या थे आपके पास, सी और एन, मान लें कि ये एक सी था और एक एन था, आपने जी सी डी से किस नंबर को, यानी 4 से किस नंबर को मल्टीप्लाई किया है कि आपका सी बना है, 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो नंबर्स आते हैं ना जी सी डी के अलावा वाले, ये इस फॉर्म में जब आप लिख लेंगे जी सी डी को, अपने नंबरों को जी सी डी की फॉर्म में, तो ये जो नंबर आते हैं कोशंट वाले, ये क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। यानी इनका जी सी डी 1 आता है, यानी 3 और 2 का जी सी डी ओबियसली 1 आता है। जब हम सी और एन का जी सी डी लें और अगर वो डी आए, तो हम उस डी की फॉर्म में सी और एन को जब लिखेंगे, तो जो इंटीजर आपके पास इधर आएंगे के वन और के टू कोशंट की फॉर्म वाले, वो क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। यानी जी सी डी ऑफ के वन के टू 1 होगा। अब इधर एक थ्योरम का यूज़ करें कि इफ़ ए डिवाइड्स बी सी एंड जी सी डी ऑफ
ए बी इक्वल्स टू वन, दिस इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड सी। यानी अगर ऐसे हो कि ए डिवाइड कर रहा हो बी सी को और जे सी डी ए और बी का वन हो, तो ए जो है आपका दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा, यानी इधर वाला जो दूसरा नंबर होगा। अब इधर भी सेम वैसे ही है कि के टू डिवाइड करता है के वन इंटू ए माइनस बी को, और पहले और यानी इधर देखें अगर आप इसी थ्योरम को, तो ए को मान लें के टू है, के वन जो है बी है और ये सी है, तो ए डिवाइड्स बी सी एंड जी सी डी ऑफ ए बी वन, देन क्या होगा ए डिवाइड करेगा सी को, यानी के टू जो है वो डिवाइड करेगा किसको, सी को, और सी हमारे पास क्या है ए माइनस बी को। अगर के टू डिवाइड करता है ए माइनस बी को, तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इक्वल्स टू के टू इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में, और वो इधर मैं इंटीजर क्यू ले लेता हूँ, कोई भी इंटीजर मैं ले सकता था, तो मैंने क्यू ले लिया जस्ट। अब अगर के टू को मैं इधर से इसकी वैल्यू निकालूँ इस इक्वेशन से, तो मेरे पास के टू की वैल्यू क्या आएगी, के टू इक्वल्स टू ये डी जो है एन के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और के टू की वैल्यू आ जाएगी एन ओवर डी। डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ कि डी जो है वो एन को डिवाइड करता था, तो के टू इक्वल्स टू एन ओवर डी। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू के टू की जगह आप लिखें एन ओवर डी इंटू सम क्यू, इधर से पता चला कि एन ओवर डी जो है वो डिवाइड करता है किसको, ए माइनस बी को। अगर एन ओवर डी ए माइनस बी को डिवाइड करता है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ कांग्रेंट टू बी मॉड एन ओवर डी, और ये था आपके थ्योरम का जनरल प्रूफ।